सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे। माय नेम इज विजय और आप सभी लोग ई पाठशाला चैनल पे 20 मिनट के सीरीज देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जन, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। याद करिए, हमने पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम के अंदर बात करी थी कि किस तरीके से इंदिरा गांधी का जीवन जो 1952 से लेकर 1971 तक का कार्यकाल, इंदिरा गांधी की लाइफ के बारे में हमने समझने की कोशिश करी थी। सेकंड पार्ट जो है ऑफकोर्स वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आता है और नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर का नाम बदल दिया गया है। चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जन। 20 मिनट की सीरीज में आपको पूरा कार्यकाल समझाने की कोशिश करूंगा कि 71 से लेके 1980 तक इंदिरा गांधी की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें राजनीति छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा। बट द आयरन लेडी बहुत टिकी रही, बहुत ही मजबूती से बनी रही अंबुजा सीमेंट की तरह, और काफ़ी कुछ लाइफ में झेला और फाइनली काफ़ी कुछ अचीव भी करा। आइए समझते हैं उनकी जर्नी के बारे में चैप्टर के थ्रू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और साथ में 12th क्लास के बच्चों के लिए किस तरीके से इनमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं वो भी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ एज यूजुअल हमारी सरकारी लाइन, अगर आप हमारे साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े, आप जहाँ पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं जस्ट हिट द लाइक बटन एंड हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऑफकोर्स यू कैन ज्वाइन अस, लाइक सब्सक्राइब, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर में ना बताने की कोशिश करी गई है कि इमरजेंसी जो इम्पोज करी गई थी, मतलब इंदिरा गांधी की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ गई, चाहती नहीं थी लगानी पड़ गई। दूसरा, क्या ये ज़रूरी था? उसके बाद अगर बता दीजिए कि इमरजेंसी हुई तो व्हाट डिड इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी मींस इज प्रैक्टिस, उसके बाद हुआ क्या, देन फाइनली उसके कॉन्सिक्वेंसेस इमरजेंसी के क्या हुए, पॉलिटिकल पार्टी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इमरजेंसी आज की डेट में अभी तक भी नहीं लगाई गई है, वो तो कोरोना काल आ गया था तो मोदी जी ने जनता कर्फ्यू कहने के बावजूद भी हमारे साथ सीन कर दिया और फाइनली लॉकडाउन लगा। वो लॉकडाउन था, वो इमरजेंसी नहीं था, लेकिन देश में शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राजनेता इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी भी तीन टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, और ये नेशन वाइड इमरजेंसी लगाई गई थी। ब्लैक डे ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी की लाइफ में ये चीज भुलाए नहीं भूली जाती है कि ऐसा कुछ स्टेप भी पिछली सरकारों ने लिया होगा। अब इंदिरा गांधी जी जो 1971 में एक दबंग नेता की तरह उभर के आए थे, चोलबूट पांडे की तरह, 1967 के अंदर किस तरीके से उन्होंने देखा कि यार मैं उस सुप्रीम पे पहुंच चुकी हूं जहां तक किसी भी नेता का आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1967 के अंदर से ही वो एक अग्रिम नेता के रूप में उभरी थी। हालांकि बहुत जगह उन्हें कंपटीशन झेलना पड़ा, उनकी लाइफ में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को लेकर बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इवन उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, जो भी ग्रैंड अलायंस वगैरह वगैरह सब थे, क्योंकि हमें पता था कि इंदिरा गांधी जी का सफर 1967 से ही चालू हो गया था। उस समय बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब 67 में इलेक्शन जीत के आई थी, उसके बाद पार्टी भी स्प्लिट हो गई 1969 के अंदर। 1971 में जैसे ही इलेक्शन जीती तो ऑफकोर्स रेफ्यूजी वाली प्रॉब्लम हमारी कंट्री में था, याद करो बांग्लादेश वाला युद्ध, बांग्लादेश को हमने आजाद कराया तो बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग, कम से कम 80 लाख लोग, पता नहीं हमारे सब्सक्राइबर कब होंगे 80 लाख, इतने सारे लोग क्या कहते हैं आए और क्या कहते हैं पूरी तरीके से क्या कहते हैं इन्होंने हमारे इकोनॉमिक के ऊपर असर डाला। तो आपको पता है इसके लिए हम NRC भी लेके आए थे, बट समाधान हो नहीं पाया, हसीना जी मानी नहीं। हसीना को लगा कि हम मना लेंगे पर हसीना मान जाएगी, पर शेख हसीना जी तो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट, वो कह रही है प्रधानमंत्री की नहीं, हम तो इन्हें वापस नहीं लेंगे जो 80 लाख लोग 71 में आपके भारत में घुस गए थे। तो ऐसा इशू था। अब इंदिरा गांधी जी, क्योंकि हम लोग अतिथि देव भाव थे, 80 लाख लोग भारत के अंदर आए तो हमने उन्हें प्यार से गले लगाया, रहने के लिए जगह दी, खाने को खाना दिया, पीने को पानी दिया, हमने सब कुछ करा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि US की गवर्नमेंट ने हमको फाइनेंशियली जो मदद करनी चाहिए थी, रिचर्ड निक्सन ने इस चीज़ के खिलाफ बोला कि आपने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया तो ऑफकोर्स हम आपसे बदला लेके रहेंगे। इन्होंने, रिचर्ड निक्सन ने क्या करा, 1971 में जैसी वॉर हुआ हम लोग जीत गए, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, लेकिन रिचर्ड निक्सन ने कहा आपको जो हम पैसा देते हैं, मदद करते हैं, फाइनेंशियली मदद करते हैं, वो हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से इंदिरा गांधी की लाइफ में एक और प्रॉब्लम चालू हो गई, यार देश का तो बंटाधार हुआ पड़ा है,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही लो हो रखा है, मॉनसून फेलियर हो गया 72 में, और इवन बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत गिर गई। मॉनसून फेलियर हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिरेगी, खाने पीने का सामान महंगा होगा। इंदिरा गांधी की लाइफ में एक से एक चीज़ें होने लगी। इसकी वजह से गवर्नमेंट के अंदर जितने भी सैलरी वर्कर थे उनका बोनस रोका गया, बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और जितने भी वर्कर्स थे उन्हें लगा बोनस बढ़ेगा पर बोनस नहीं बढ़ा, पे कमीशन बढ़ाना था लेकिन नहीं बढ़ा। इसकी वजह से सरकार के खिलाफ 1971 के अंदर इतने सारे धरने हुए कि इंदिरा गांधी जी कहने लगे कि यार पहली बार तो सत्ता में मैं इतनी अच्छी तरीके से आई, और ऊपर से मेरे खिलाफ इतना सारा कांड या षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो 71 में अपोजिशन पार्टियों ने घोट के घेर के मारा इन द सेंस, बहुत अलग अलग वेरिएशंस में कोशिश करी कि इंदिरा गांधी की सरकार को घेरा जा सके। एग्जांपल के लिए आपको पता है कि 1969 के अंदर भी इंदिरा गांधी को हराने की कोशिश करी गई थी ग्रैंड अलायंस के द्वारा, सिंडिकेट के द्वारा, लेकिन नहीं हरा पाए। अपोजिशन पार्टी को ये मौका मिल गया, और जब ये मौका मिला तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत तेज़ी से हुआ, मार्क्सिस्ट ग्रुप, नक्सलवादी ग्रुप बहुत तेज़ी से उभरने लग गए थे इंडिया के अंदर, और इसकी शुरुआत होती है गुजरात मूवमेंट से। कहते हैं ना कि एक चिंगारी की शुरुआत, एक आग की शुरुआत और एक आंधी की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, और वो चिंगारी भड़क चुकी थी लोगों के दिलों में। जब ऑफकोर्स राइजिंग प्राइस हुआ, मॉनसून फेलियर हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिर गई, लोग जो पैदा कर पा रहे पैदावार वो पैदावार नहीं कर पा रहे, सो ऑफकोर्स उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी 200%। जब वो पैदावार नहीं हो पा रही थी तो ऑफकोर्स चीज़ें महंगी हो रही थी, और आंदोलन हुआ हमारे बापूजी के शहर से, दैट मीन्स द गुजरात, मेरा गुजरात देखो जल रहा है। तो यहाँ पे गुजरात जो था, यहाँ पे गुजरात मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गुजरात के स्टूडेंट्स ने सबसे पहले प्रोटेस्ट करा, आप देख सकते हो 20 दिसंबर 1973 से लेके 16 मार्च 1974 तक एलडी इंजीनियरिंग के छात्रों ने यहाँ पे मूवमेंट चलाया, बसें जला दी, इकोनॉमिक क्राइसिस, पब्लिक लाइफ डिस्प्यूट होने लग गया, और इस आंदोलन को नाम दिया गया नव निर्माण मूवमेंट। यानी कि 1971 में नेताजी यानी कि इंदिरा गांधी के जीतते ही 72 में फेलियर, लोगों का आना, आर्थिक बोझ का बढ़ना, लोगों की जो हेल्प होती थी वो खत्म होना, और 1973 से उल्टी गिनती चालू होना। 1973 से ही गुजरात मूवमेंट लॉन्च हुआ। गुजरात मूवमेंट में ऑफकोर्स जो नव निर्माण मूवमेंट चलाया जा रहा था, स्टूडेंट का साथ देने वाले कौन थे? कांग्रेस ओ और जनसंघ पार्टी। और उस समय कांग्रेस की सरकार गुजरात में चल रही थी चीमन भाई पटेल की। तो स्टूडेंट की क्या डिमांड थी? ऑफकोर्स स्टूडेंट का डिमांड यही था कि खाने पीने की सस्ती चीज़ें कर दोगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन ऑफकोर्स सस्ती कैसे करें भैया, सस्ती तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि राइजिंग प्राइस हो रखा है। जब प्रोडक्शन ही महंगा होगा तो भाई सिंपल सी बात है वो ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा, डिमांड एंड सप्लाई। अब इकोनॉमिक नहीं घुसेड़ूंगा मैं पॉलिटिकल के अंदर, तो उतना आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ही प्रोटेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट गोल कि चीफ मिनिस्टर जी इस्तीफा दीजिए, चीमन भाई पटेल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया था, इसके रिजल्ट में देना पड़ गया था, वो मैं इसमें बाद में बताऊंगा। लेकिन एटलीस्ट इस आंदोलन में 100 लोग मारे गए, 3000 लोग इंजर्ड हुए, 8000 स्टूडेंट को गिरफ्तार करा गया। अपोजिशन पार्टी को यहाँ पे मिल गया बहाना। क्या मिल गया बहाना? मोरारजी देसाई जी जो 1967 से ही पॉलिटिकल लाइफ से गायब हो गए थे, उन्हें विद्यार्थी के सकल में अपनी कुर्सी नजर आई, और उन्होंने कहा कि चलिए विद्यार्थियों का सपोर्ट करिए, विद्यार्थियों को चाहिए नेता, तो मोरारजी देसाई जी उनके बने नेता। चीमन भाई पटेल के खिलाफ सरकार के खिलाफ आंदोलन होना चालू हो गया, नेताजी कुर्सी खाली करो हमारे, नेताजी कुर्सी खाली करो हमारे। और यहाँ पे स्टूडेंट, आपको पता ही है स्टूडेंट आज भी वैसा था और कल भी वैसा ही होगा और पास्ट में भी वैसा ही था, बंक मार के स्कूल जाना, धरने देना वगैरह वगैरह। तो उनका मेन क्या था? मेन था कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी। ऑफकोर्स वो चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली चीमन भाई पटेल की वो खत्म हो जाए और फ्रेश इलेक्शन पूरे के पूरे कहाँ पे हो? गुजरात में हो। तो क्या आपको लगता है इंदिरा गांधी जी चाहेंगे? ऑफकोर्स नहीं चाहेंगे। तो ये मेन था, करप्शन खत्म हो, फूड जो गेन राइजिंग प्राइस हो रखा है वो कम हो, लोगों की लाइफ अच्छी हो, जॉब मिले, महिलाओं की प्रोटेक्शन हो वगैरह वगैरह, ये आम बात है। तो ये इसके ऊपर कारण परिणाम क्या क्या हुआ वो सब आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां से अब आता है अपोजिशन पार्टी का रोल।
अपोजिशन पार्टी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आर थी वही पार्टी 71 के इलेक्शन में जीती होगी। अफकोर्स ये बात आपको 200% सच पता है, माँ कसम खाओ ये तुम्हें पता है, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी फीलिंग्स को। 1967 के अंदर पार्टी टूटी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ हो गई थी, और कांग्रेस आर ही जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस 1971 के अंदर जाके जीती थी। तो ऑफकोर्स अभी कांग्रेस आर ही चल रही है, कांग्रेस आर के विरुद्ध में कांग्रेस ओ थी, और साथ में यहाँ पे अखिल भारतीय जनसंघ ये पार्टी कांग्रेस को घेरने में खड़ी हुई थी, कह रही थी कि अब तो इंदिरा गांधी जी गई। इसीलिए यहाँ पे अपोजिशन पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, सभी कह रहे थे कि भाई प्रेसिडेंशियल लॉ लगाए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, दोबारा इलेक्शन हो। अपोजिशन पार्टी कह रही कि फ्रेश इलेक्शन हो। मोरारजी देसाई जी ने तो और बढ़ चढ़ के बोल दिया, मैं तो हंगर स्ट्राइक करूँगा, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होता तो मैं भूखमरी का शिकार हो जाऊँगा, मतलब मैं पूरी तरीके से चाहूँगा कि मैं भूखा ही रहूँ। फाइनली इसका रिजल्ट हुआ, पहली बार 1973 के अंदर ये सरकार की जनता में एक वो दिखा दिया पावर जनता ने अपना, कि किस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेगा तो वहाँ की सरकार को भी हिला सकता है। बहुत बड़ा परिणाम था इससे, मोरारजी देसाई जो थे बहुत फेमस हो गए, और साथ में जो स्टूडेंट थे वो आंदोलन उनका बहुत आगे तक फैल गया। अब यहाँ पे बिहार मूवमेंट एक और था, बिहार मूवमेंट नवनिर्माण मूवमेंट से प्रेरित बिहार मूवमेंट 1974 में हुआ, मार्च में वो हुआ 1973 में। ये मार्च में बिहार मूवमेंट, ऑफकोर्स राइजिंग प्राइस वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही थी, इनको कोई नेता नहीं मिल रहा था, तो हमारे क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण जी ने इनका नेतृत्व करा, और इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी की बहुत बड़ी कविता है ये, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, कुल क्रांति का नारा इनके द्वारा दिया गया, और इनकी भी सेम यही डिमांड थी कि राइजिंग प्राइस कम हो, अधिकार के बारे में सोचा जाए, जनता अपने अधिकार के बारे में सोचे। जो अब ये यहाँ से देश में इमरजेंसी लगने का कारण बना 74 के अंदर, जब ये बात पूरी तरीके से जयप्रकाश नारायण के अंडर में आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। अब इंदिरा गांधी की लाइफ में ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से लोग उनको घेरने घोटने में खड़े हुए हैं, और यहाँ पे लोकमान्य आपके क्या कहते हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ये वही व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटर की उसमें लड़ाई में लड़े थे, और इंदिरा गांधी जी इनके सामने बहुत छोटी सी बच्ची थी। उनका डिमांड बस ये था कि पूरी तरीके से सरकार बिहार की गिर जाए, और उसके बाद वो रेलवेज एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह सबको कहा कि सारे आंदोलन पे आ जाइए, और ऑफकोर्स इनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था, क्योंकि ये परम पूजनीय गांधी के साथ लड़ने वाले व्यक्तियों में से, जिन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाला भारत से, उनके साथ थे। तो ऑफकोर्स अपोजिशन पार्टी चाहेगी कि जेपी जी को अपने साथ रखा जाए। बिहार मूवमेंट बिहार तक ही सीमित नहीं था, बिहार मूवमेंट में जेपी जी का आने का कारण यही था कि वो कह रहे थे कि पूरी तरीके से अगर स्टूडेंट इस आंदोलन को नेशनल वाइड बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं उनके साथ आ जाऊंगा। 75 में हुआ यही कि इन्होंने जेपी जी ने लोगों को मार्च करने के लिए बुलाया पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट को ही घेर लेंगे, पूरा पार्लियामेंट घेर लेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए पहली बार इतिहास में ऐसी रैली, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर, यह दिल्ली में 5 लाख की रैली आज तक कभी नहीं हुई है, इवन आज भी। लेकिन जेपी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो 5 लाख के अकेले ऑर्गेनाइज करने वाले रैलियों में से एक थे। आप कह सकता हूँ कि उस टाइम के बहुत बड़े पॉप स्टार, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटरों में से एक थे, जिनको देखने के लिए लोग सुनने के लिए आते थे। तो इवन इनका सपोर्ट करा गया भारतीय जनसंघ पार्टी, जो बाद में मेरी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सभी पार्टियों ने मिलकर इंदिरा गांधी की सरकार को घेरना घोटना चालू कर दिया। अब यहाँ पे मेन बात ये था कि इनका कहना सिंपल सा था कि जो सरकार अगर जनता के प्रति जिम्मेदार ना हो तो ऑफ कोर्स वो पूरी तरीके से उसको सत्ता पे काबिज नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे ये वीडियो मैंने अपनी पूरी तरीके से जो एक्सप्लेन सीरीज उसमें दिखाई थी आप सभी लोगों को। और जब रेलवे हड़ताल पे चली गई थी तो यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस भी हड़ताल पे चले गए। जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे के उस समय बहुत बड़े अधिकारी थे, 2002 में डिफेंस मिनिस्टर भी बन चुके हैं। इन्होंने रेलवे हड़ताल पे भी बुला लिया लोगों को, यानी कि 73-74 ये लाइफ में इंदिरा गांधी की लाइफ में बहुत गलत रोल हो रहा था, और इंदिरा गांधी समझ नहीं पा रही थी कि एक के बाद एक आंदोलन हो क्यों रहा है। वीरेस पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस को खींचने में लगी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत हुई गांधी की लाइफ में, वो था 1971 के अंदर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन कौन सा, अभी पहले मैं ये वाला बताया था, इलेक्शन वाला, हाँ ये है इलेक्शन आपका, ये वाला इलेक्शन,
1971 के अंदर जो इलेक्शन लड़ा गया था, राज नारायण उनके ऑपोजिशन के नेता थे, राज नारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर ये केस कर दिया था कि जिस समय 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा था वो पूरी तरीके से अप्रशासनिक था, उसमें सरकारी गाड़ी वगैरह वगैरह सबका इस्तेमाल हुआ था, और ये उस टाइम पीरियड पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर करते हुए कहा गया था कि ऐसा हुआ था। देन फाइनली इंदिरा गांधी पहली ऐसी नेता थी जो कोर्ट में, जिनको जाना पड़ गया, सोचिए कोर्ट में जाना पड़ गया, और इंदिरा गांधी को ये बोला गया उस कोर्ट के अंदर कि भाई इंदिरा गांधी जी वॉज नो एमपी मोर एज एन एमपी एंड देयर फोर कुड नॉट बी रिमेन द प्राइम मिनिस्टर अनलेस शी वंस अगेन इलेक्टेड एज अ पीएम विद इन द 6 मंथ। वहां पे क्लियर कट बोल दिया गया कि भाई ये सही बात है कि इंदिरा गांधी ने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके सरकारी गाड़ियां सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करा था 71 में, जिसका रिजल्ट 75 में आ रहा था। तो गांधी की, इंदिरा गांधी को अब बोला गया कि आप एक एज ए एमपी बने नहीं रह सकते हैं जब तक 6 महीने के अंदर दोबारा से कोई इलेक्शन ना हो जाए। तो ये चीज़ें इंदिरा गांधी की लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रूशल थी। इसका अब इसको, क्योंकि भाई देखो एक एमपी के पास क्या कहते हैं, एक अधिकार होता है, एक एमपी तो होता है पीएम, इनके पास अधिकार होता है कि अगर कोई केस हाई कोर्ट में है तो उस केस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। तो इन्होंने भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करा, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट के फैसले में किसने सुनाया था फैसला, ही तो आप ये देख सकते हैं, ये फैसला सुनाया था आपके न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने, इन्होंने 12 जून को ये फैसला सुनाया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, अवैध घोषित हुआ था। इन्होंने बताया था कि सही मायने में इंदिरा गांधी जी ने जो अपनी पावर का इस्तेमाल करा था गलत इस्तेमाल करा था। 12 जून को ये फैसला हुआ था और उसके बाद ये फैसला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये फैसला आया 24 जून 1975 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो एज अ पीएम बनी रह सकती हैं टिल हर अपील वॉज डिसाइडेड बट कुड नॉट अटेंड द पार्लियामेंट्री मीटिंग। उन्होंने कहा कि एमपी बनी रह सकती है लेकिन पार्लियामेंट की मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकती है। अब 3 केसेस की वजह से इंदिरा गांधी जी घबरा गई पूरी तरीके से, उन्हें समझ में नहीं आया कि अब हो क्या रही है। ये सारे केसेस की वजह से इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया पूरी तरीके से देश में, क्योंकि 25 जून के ही दिन क्या कहते हैं जेपी जी दिल्ली के अंदर अखंड रैली साइलेंट प्रोटेस्ट करने वाले थे, बहुत 5 लाख लोगों की, सोचिए सभी लोगों को अगर वो इन्फॉर्मेशन मिलती कि हाँ इंदिरा गांधी की ऐसी ऐसी सरकार है जो लोगों के प्रति काम नहीं कर रही है वगैरह वगैरह, तो आपको क्या लगता है इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से बैठेंगी चुप? 24 तारीख को ये रिजल्ट आ गया था कि हाँ ठीक है वो पीएम बनी रह सकती है पर पार्लियामेंट्री मीटिंग अटेंड नहीं करेंगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, और 25 तारीख को ये जो थे जेपी जी ये आंदोलन करने वाले थे दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर। सो दैट इज वाई यहाँ पे जब ये रामलीला मैदान के अंदर करने वाले थे धरना, तो ऑफकोर्स 25 जून के ही दिन ये बोला गया कि जयप्रकाश नारायण जो है उनकी डिमांड थी कि इंदिरा गांधी की सरकार कोई तरीके से अपना रिजाइन दे, जो पुलिस वाले हैं अब अपना काम ना करें, आर्मी वाले अपना काम ना करें, जो जो कभी गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको अंग्रेजों को बाहर निकालना है तो उनके स्कूल में मत जाइए, उनकी वकालत मत करिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इन चीज़ का मिस यूज़ करते हुए ये बोला इंदिरा गांधी ने कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत सारे ऐसे कामकाज हैं जो सरकारी कामकाज रुके हुए हैं, दैट इज़ वाई मुझे क्या कहते हैं राष्ट्रपति का इस्तेमाल करते हुए, उनके अधिकार का इस्तेमाल करते हुए फारुकुद्दीन अली अहमद जो उस समय पर राष्ट्रपति थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को राजी कर दिया और रात ही रात के अंदर पूरी तरीके से इमरजेंसी लगा दी गई। तो ये मेन पूरी स्टोरी है देश में इमरजेंसी लगने की, ठीक है? तो ये स्टोरी है। अब यहाँ पे इमरजेंसी जब देश में लगी तो फिर इसके कारण परिणाम बहुत नेगेटिव पॉजिटिव थे, वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी होगी, इमरजेंसी कैसे लगी, इसके कितने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू थे, और अब यहाँ पे कैसे उन्होंने फिर सुबह अपनी स्पेशल मीटिंग बुला के अपने सारे लोगों को बताया कि मैंने इमरजेंसी लगा दी है, फिर इमरजेंसी के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, ऑफकोर्स बहुत सारे नेताओं को जेल भेजा गया, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत कट्टरपंथी होनी चालू हो गई, ये इसी को ब्लैक डे बोला गया जिसमें फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए गए, और उसके बाद इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया, 5 साल का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया, बहुत सारे जितने भी सरकार के खिलाफ थे सबको जेल में डाला गया, जो मीडिया सरकार के खिलाफ छाप रही है उनको बंद कर दिया गया, और उसके बाद बहुत सारी मैगजीन सब कुछ अंडरग्राउंड कर दी गई, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे जो सरकार से खुश नहीं थे इन चीज़ों को लेकर उन्होंने अवार्ड भी वापस करे, लेकिन सरकार कहाँ सुनने वाली है।
और इसी वजह से क्या कहते हैं इमरजेंसी लगाना जरूरी था या नहीं, उसके ऊपर बहुत लंबा डिबेट चलता रहा कि इतने सारे कारण की वजह से इमरजेंसी क्यों लगाई। तो लेसन क्या सीखने को मिला हमें, ये सारी चीजें ड्यूरिंग सीपीआई ने क्या बिलीव करा, सीपीआई के क्या स्टेटमेंट थे, इमरजेंसी से हमें सीखने को क्या मिलता है, इमरजेंसी आगे लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस बनने चालू हो गए और किस तरीके से हमें इसकी आलोचना करी गई, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। ठीक है ना, मेन ये था कि आपको लेसन समझना है कि कॉन्सेप्ट में है क्या, इमरजेंसी लगी क्यों और बाद में फिर हमारा देश इससे क्या सीखता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन ऑफ कोर्स 77 के अंदर दोबारा जब भी इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो 77 के अंदर दोबारा इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार जाती है हार, और हारने के बाद एक नई पार्टी आती है, दिस इज कॉल्ड जनता पार्टी, और जनता पार्टी जो है आज की डेट में है भारतीय जनता पार्टी। और इसकी फिर मैंने पूरी एक्सप्लेन सीरीज आपको बता रखी है कि जनता पार्टी कैसे आई और उसके बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें करें, इलेक्शन रिजल्ट में जनता पार्टी जीती और काफ़ी हिस्सों में सरकार जो थी हार गई कांग्रेस की, पर साउथ में जीती रही। जनता पार्टी की गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, 3 साल के अंदर सरकारें बदलती रही बदलती रही बदलती रही, और उसके बाद फाइनली क्या कहते हैं दोबारा से 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। 3 साल के अंदर उन्होंने बस एक काम करा, शाह आयोग बैठाया। शाह आयोग का मेन काम था कि जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में गलत काम करे हुए हैं उसको पूरी तरीके से देखना, तो शाह आयोग ने यही करा था। लेकिन मेन बात यह था कि यहां पे 18 महीने की सरकार चरण सिंह की चली, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड की चंद्रशेखर की चलने वाली थी कांग्रेस के गठबंधन से, लेकिन गठबंधन खत्म कर दिया गया। उसके बाद 1977 में इलेक्शन हुआ और 3 साल के अंदर ही दोबारा से इलेक्शन हुआ 1980 के अंदर, और 1980 के अंदर अब नए सिरे से इलेक्शन होता है और वहाँ पे शासन को बोला जाता है कि इंदिरा बुलाओ और देश बचाओ, इंदिरा गांधी जी को दोबारा बुलाया जाता है और देन फाइनली इंदिरा गांधी जी 1980 के इलेक्शन में हाथ के पंजे के साथ कांग्रेस आई उन्होंने बनाई और वो कांग्रेस आई आज तक चल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, 1980 का कार्यकाल मैंने पूरा समझा दिया आपको। सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, कुछ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के रिलेशंस क्या थे वो इस पार्ट में थे, स्किप हो गए, एक्सप्लेन सीरीज जाके जरूर वॉच करिए, शॉर्ट में इतना ही समझा सकता था मैं। जब तक के लिए वीडियो के अगले पार्ट में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, दिस इज इट इन दिस वीडियो।